ठीक स्टूडेंट्स, अपन बात कर रहे थे कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। उसमें से मैंने आपको बेसिक न्यूमेरिकल्स बता दिया था और कंपैरिजन टेस्ट के बेस न्यूमेरिकल्स बता दिए थे, राइट। आज हम बात करेंगे कॉसी रूट टेस्ट की, है ना। कंपैरिजन टेस्ट के आगे भी कुछ और अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं जो कंपैरिजन टेस्ट से करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। उन क्वेश्चंस को हम कॉसी रूट टेस्ट की मदद से देखते हैं कि क्या वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो स्टेटमेंट देख लो आप कॉसी रूट टेस्ट का। सर ये गेट लगा। स्टेटमेंट की बात करते हैं अपन। ओके, स्टेटमेंट में है लेट समेशन यूएन बी अ सीरीज ऑफ be a series of positive terms, right? Okay, then this series, yani summation un, ठीक है, first point डाल के will be convergent या say is convergent if limit n tending to infinite un raised to the power 1 upon n less than or equal to 1. Convergent if what? Limit n tending to infinite, this un, ध्यान से देखना, un stand for nth term. तो nth term में हम power क्या कर देंगे, 1 upon n कर देंगे और limit n tending to infinite apply कर देंगे। अगर इसकी value 1 से छोटी आ गई तो series क्या हो जाएगी, convergent हो जाएगी, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट डाल के सेकेंड में इज डाइवर्जेंट, सेकेंड में इज डाइवर्जेंट इफ लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट यू एन रेस टू द पावर 1/n ग्रेटर देन वन। ओके, क्लियर है। ग्रेटर देन वन अगर हो गई तो सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। बात क्लियर है, ध्यान से देख लेना। थर्ड पॉइंट है टेस्ट फेल इफ लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट यू एन रेस टू द पावर 1/n इज इक्वल टू 1 हो जाए। ध्यान से दोबारा बोल रहा हूं, है ना। फर्स्ट है सीरीज विल बी कन्वर्जेंट इफ दिस क्वांटिटी मींस लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट यू एन रेस टू द पावर 1/n शुड बी लेस देन 1 या इज लेस देन 1 शुड बी, क्या ठीक है ना। कन्वर्जेंट हो जाएगी अगर ये सीरीज लेस देन 1 हो गई, डाइवर्जेंट हो जाएगी अगर ये पूरा फार्मूला, ये लिमिट पूरी 1 से बड़ी हो गई, और इक्वल टू 1 हो जाएगा अगर ये पूरा फार्मूला इक्वल टू 1 हो जाए। बात क्लियर है। इसमें आपको यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए कम से कम 2-3 और लिमिट के फार्मूले याद होने चाहिए, है ना। तो नोट करके मैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला लिख रहा हूँ। फर्स्ट फार्मूला जो बहुत एप्लीकेबल है वो आपको लिमिट का फार्मूला, लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/1/n रेस टू द पावर n की वैल्यू e हो जाएगी, ये जरूर याद रख लेना। दूसरा इसी में फार्मूला है, लिमिट में हमने बात किया था इसकी, लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट n अपान n फैक्टोरियल होल रेस टू द पावर 1/n भी ई होता है। ये क्रूशियल फार्मूला है, बार बार यूज करूंगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट एन अपान एन फैक्टोरियल होल रेस टू द पावर 1/n, मतलब एन फैक्टोरियल में टोटल में पावर 1/n हो, ठीक है। तो ये पूरी वैल्यू भी वापस क्या हो जाती है, इक्वल टू ई हो जाती है, ठीक है। साइड में यहाँ लिख रहा हूँ मैं थर्ड फार्मूला जो यूज करूँगा मैं, दिस इज लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फानाइट एन रेस टू द पावर 1/n, तो दिस इज इक्वल टू 1। एन नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो 1 टेंडिंग टू 0, 1 रेस टू द पावर 0, पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना। ध्यान से देखो, लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट एन रेस टू द पावर 1/n की वैल्यू 1। ये तीन फार्मूले हम फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे, राइट, ये इस कॉन्सेप्ट में अप्लाई करने के लिए, है ना। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे से बच्चे पूछते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ पे कॉसी रूट टेस्ट ही अप्लाई करें।
कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई नहीं करें। तो बच्चों एक बात ध्यान रख लेना, वापस भले मैं आपको एक नोट करके लिखवा देता हूँ, ये बात ये आपके खुद के आइडेंटिफिकेशन के लिए है। आप खुद इसको थोड़ा सा मनन करोगे, सोचोगे इस बात को, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखना बच्चों, कभी भी तुम्हारा यूएन नोट है ना, कभी भी जो तुम्हारा यूएन समथिंग रेस टू द पावर एन हो या समथिंग रेस टू द पावर एन स्क्वायर हो, पावर एन की पावर फोर हो, ठीक है ना, अगर यूएन किसी भी सीरीज का एनथ सिस्टम इस में से किसी भी एक टाइप का हुआ, तो 100% उस टाइप के न्यूमेरिकल्स में कॉची रूट टेस्ट ही अप्लाई होगा, ठीक है ना। ध्यान रखना, पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है कि एनथ टर्म जो है सीरीज का, उस एनथ टर्म में होल में पावर एन हो या होल में पावर एन स्क्वायर एन क्यूब डॉट डॉट इस टाइप की वैल्यूज हो, तो हम उस टाइप के क्वेश्चंस को हमेशा कॉची रूट टेस्ट से सॉल्व करते हैं। ओके राइट, सो नाउ लेट अस स्टार्ट सम न्यूमेरिकल। सबसे पहला क्वेश्चन वन है ना, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज दिस इज समेशन एन इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट, राइट, और क्या है एन रेस टू द पावर एन स्क्वायर अपॉन वन प्लस एन होल रेस टू द पावर एन स्क्वायर। ध्यान से देख लो, सीरीज क्या है, समेशन एन इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट एन रेस टू द पावर एन स्क्वायर अपॉन वन प्लस एन रेस टू द पावर एन स्क्वायर, ठीक है। इसके कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट की बात हमें करनी है। ओके राइट, ठीक है, सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में सबसे पहला काम क्या होता है अपना बच्चों, अब बहुत सारे अपन ने देख लिया, कई दिनों से बात कर रहे हैं अपन, सबसे पहला काम होता है सीरीज का एनथ टर्म आइडेंटिफाई करना। तो ये जो भी अंदर लिखा हुआ है ये सीरीज का एनथ टर्म है ना, राइट, समेशन के जो भी अंदर लिखा है वो सीरीज का एनथ टर्म है। तो मेरे केस में सीरीज का एनथ टर्म यू एन क्या है बच्चों, दिस इज एन रेस टू द पावर एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन प्लस एन होल रेस टू द पावर एन स्क्वायर, ठीक है, ये सीरीज का एनथ टर्म है, दिस इज एनथ टर्म ऑफ द सीरीज, राइट, यू एन। तो मैं क्या करूंगा, मेरा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, मैं तो सिंपली क्या करूंगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट यू एन रेस टू द पावर वन अपान एन की वैल्यू निकालूंगा, राइट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, लिमिट अप्लाई करने से पहले मैं यू एन रेस टू द पावर वन अपान एन की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो यू एन रेस टू द पावर वन अपान एन की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, यू एन मेरे पास एन अपान वन प्लस एन होल रेस टू द पावर एन स्क्वायर लिख सकता हूं, इसको मैं एक्सपोनेंट के रूल से एन अपान वन प्लस एन होल में पावर एन स्क्वायर, और सिंस मैंने यू एन में वन अपान एन लगाया है तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगेन दिस विल बी इक्वल टू होल रेस टू द पावर वन अपान एन। ओके क्लियर है, ध्यान से देख लो, एनथ टर्म आपका क्या था, एन रेस टू द पावर एन स्क्वायर अपॉन वन प्लस, इसी एनथ टर्म को मैं क्या लिख सकता था, मैं लिख सकता था एन अपॉन वन प्लस एन को ले लिया और होल में पावर क्या कर दिया, रेस टू द पावर एन स्क्वायर कर दिया, ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज कर लिया। तो इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो दिस विल सिंपली इक्वल टू एन अपॉन वन प्लस एन रेस टू द पावर एन, सिंपल एन स्क्वायर इंटू वन अपॉन एन गेट कैंसल, दिस विल बी एन। ओके सो यू एन रेस टू द पावर वन अपॉन एन की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास, ओके राइट, सो दिस इज सिंपली, दिस सिंपली इंप्लाइज यू एन रेस टू द पावर वन अपॉन एन इज इक्वल टू व्हाट, तो दिस इज एन अपॉन वन प्लस एन रेस टू द पावर वन अपॉन एन। इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में एन को कॉमन लेके कैंसिल कर दूंगा तो दिस इज वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन एन रेस टू द पावर वन अपॉन एन, या आप बोल सकते हो वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन एन रेस टू द पावर एन ध्यान से देख लो, ये दिस इज सिंपली एन, सॉल्व किया मैंने उधर है ना, दिस इज सिंपली एन पावर एन है, क्लियर है। ओके सो अगेन दिस लिमिट
n tending to infinite u n raised to the power 1 upon n. So this limit will equal to now limit n tending to infinite 1 upon 1 plus 1 upon n raised to the power n. Okay. तो अभी आप ये फार्मूला रिकॉल करो, मैंने आपको बताया था लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फाइनाइट 1 प्लस 1 अपॉन एन रेस टू द पावर एन की वैल्यू क्या होती है, ई होती है. तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 1 अपॉन ई हो जाएगी. और 1 अपॉन ई मीन्स व्हाट, दिस इज सिंपली लेस देन 1. क्यों? क्योंकि ई की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है, तो 1 अपॉन 2 पॉइंट समथिंग तो 1 से तो छोटा ही होगा, राइट. कहने का मतलब क्या निकला, मीन्स ये जो लिमिट है ये फाइनली किससे छोटी मिल गई, 1 से छोटी. मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देयरफॉर दिस लिमिट n tending to infinite u n raised to the power 1 upon n is less than 1. Hence by Cauchy root test the given series is convergent. ठीक है, इसलिए Cauchy root test की मदद से ये series क्या हो जाएगी, convergent हो जाएगी. पूरा लिख लो, hence by Cauchy root test Cauchy root test the given series is convergent, the given series is convergent. Right. ठीक है बच्चों, कुछ भी नहीं है, सिंपल, बहुत ही सिंपल है. बस अपने को पहचान में आना चाहिए कि कहां पे हम Cauchy root test अप्लाई कर सकते हैं. तो मैंने आपको तरीका बता दिया है, अगर nth टर्म में किसी भी सीरीज के nth टर्म में पूरे में पावर n हो या पावर n स्क्वायर हो तो 100% ये टेस्ट अपने को मदद करेगा. क्लियर है, राइट. ध्यान से देख लो इस सॉल्यूशन को. ओके, देन अगेन राइट डाउन द सेकंड क्वेश्चन. ओके, सेकंड क्वेश्चन है सेम, टेस्ट द कन्वर्जेंस ओके अगेन टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज. क्वेश्चन नंबर सेकंड है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज. ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, दिस इज 1 प्लस 1 अपॉन एन रेस टू द पावर माइनस एन स्क्वायर. इकट्ठा दो तीन क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, राइट. माइनस एन स्क्वायर ये पहला क्वेश्चन. सेकंड है समेशन एक्स रेस टू द पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल इफ दिस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो. तीसरा क्वेश्चन है इसी में, सीरीज फॉर्म में दिया है, सीरीज फॉर्म में 1 क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 क्यूब अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 क्यूब अपॉन 3 रेस टू द पावर 4 प्लस डॉट डॉट दिस इज n क्यूब अपॉन 3 रेस टू द पावर n प्लस अप टू इन्फाइनाइट. ये तीन क्वेश्चन मैंने लिख दिए, इनके अपन कन्वर्जेंस की बात करेंगे. ठीक है, मतलब कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट की बात करेंगे. ठीक है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3. ठीक है, ओके. सो लेट अस सी सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 1. लेट अस सी सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 1. ठीक है, ओके, राइट. तो सॉल्यूशन ऑफ 1 सिंपली यू एन की बात करें अपन, तो यू एन क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखो जो सीरीज के अंदर लिखा है ये टर्म वो पूरा यू एन हो जाएगा, राइट. तो यू एन में क्या है मेरे पास, दिस इज 1 प्लस 1 अपॉन एन रेस टू द पावर माइनस एन स्क्वायर, दिस इज यू एन. ओके, हमें निकालना क्या होता है, हम यहाँ पे बात करेंगे यू एन रेस टू द पावर 1 अपॉन एन, है ना. Cauchy root test में हमेशा हम ये बार बार निकालेंगे यू एन रेस टू द पावर 1 अपॉन एन. यू एन रेस टू द पावर 1 अपॉन एन मीन्स वॉट, दिस इज 1 प्लस 1 अपॉन एन रेस टू द पावर एन स्क्वायर होल रेस टू द पावर 1 अपॉन एन. मीन्स इसको और एक्सपांड करें और सिंप्लीफाई करें तो ये 1 अपॉन एन रेस टू द पावर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एन, या सिंपली दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस 1 अपॉन एन होल टू द पावर माइनस एन. ठीक है, क्लियर है सर. पूरे एक्सपोनेंट के, सिंपल एक्सपोनेंट के रूल्स लगे हैं ना,
ये बताने वाली बात नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, दिंग कैन बी रिटन एज वन प्लस दिस वन अपान वन प्लस वन अपान एन होल रेस टू दी पावर एन। तो जब मतलब मीन्स में लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फाइनाइट यू एन रेस टू दी पावर वन अपान एन की बात करूंगा, तो दिस एक्सप्रेशन हियर विल बी इक्वल टू व्हाट, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फाइनाइट वन प्लस वन अपान एन रेस टू दी पावर एन। और ये फार्मूले से तो आप फेमिलियर ही हो, राइट? तो ये पूरा एक्सप्रेशन अगेन वन अपान ई और वन अपान ई अगेन लेस देन वन, वन अपान ई विल अगेन लेस देन वन। सो अगेन बाय कॉसी रूट टेस्ट दिस गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, है ना? ये सीरीज भी क्या हो जाएगी, कॉसी रूट टेस्ट की मदद से वापस कन्वर्जेंट हो जाएगी। फिर से बोल रहा हूँ, अगेन बाय अप्लाइंग कॉसी रूट टेस्ट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। ठीक है, क्लियर? इसको लिख लेना, बार बार ये ध्यान रखना, इस फार्मूले की जरूरत अपने को बार बार पड़ रही, ये फार्मूले की जरूरत बार बार पड़ रही, वन लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनिट। यहाँ पे कहीं पे भी फार्मूला लिख देता हूँ मैं, कहीं पे फार्मूला का किस फार्मूले की जरूरत पड़ रही मेरे को, लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट वन प्लस वन अपॉन एन रेस टू द पावर एन, इसकी वैल्यू ई होती है। ये फार्मूला बार बार जरूरत पड़ रहा है अपने, है ना? राइट, ओके। नाउ सी सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या बोल रहा है कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज समेशन एक्स रेस टू द पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल। अच्छा, इसमें स्ट्रिक्टली एक बात बोल के रखा है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, मतलब एक्स पॉजिटिव है, कुछ भी हो एक्स यहां पे, कुछ भी हो, लेकिन ये बात मुझे जरूर समझ में आ गई है, कोई भी वैल्यू हो वो जीरो से बड़ी होगी, मतलब पॉजिटिव होगी, ये बात श्योर है, राइट? ओके, सो हियर सॉल्यूशन सेकंड। सॉल्यूशन सेकंड में मेरे पास nth टर्म क्या हो जाएगा बच्चों, nth टर्म, इस क्वेश्चन का nth टर्म क्या है, इस क्वेश्चन में nth टर्म है मेरे पास un इक्वल टू एक्स रेस टू द पावर एन, एक्स रेस टू द पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल। इसका nth टर्म क्या है, एक्स रेस टू द पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल, ओके, राइट? सो व्हाट अबाउट un रेस टू द पावर वन अपॉन एन, तो निकालना ही है हमें हर क्वेश्चन में, तो un रेस टू वन अपॉन एन क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स रेस टू द पावर एन डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल होल टू द पावर वन अपॉन एन। अगेन एक्सपोनेंट का रूल लगा दूंगा, तो ये एक्स रेस टू द पावर एन वन अपॉन एन डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल रेस टू द पावर वन अपॉन एन, या सिंपली यू कैन से दिस इज एक्स अपॉन एन फैक्टोरियल होल रेस टू द पावर वन अपॉन एन, राइट? ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, ठीक है, एक्स अपॉन एन फैक्टोरियल होल रेस टू द पावर वन अपॉन एन। तो अगेन दिस से लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फाइनाइट, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फाइनाइट यू एन रेस टू द पावर वन अपॉन एन इक्वल टू व्हाट, तो दिस इज लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फाइनाइट से एक्स अपॉन एन फैक्टोरियल रेस टू द पावर वन अपॉन एन। यहाँ पे मैं दो मिनट रुका हूँ, थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लो आप, है ना? इसको हमारा फार्मूला अप्लाई करने के लिए, फार्मूला याद करो बच्चों, फार्मूला मैंने तुमको क्या बोला था, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फाइनाइट एन अपान एन फैक्टोरियल रेस टू द पावर वन अपान एन की वैल्यू क्या बताया था, ई बताया था। बड़े शब्दों में ध्यान से देख लो, मैं क्लियर लिख देता हूँ दो मिनट इस फार्मूले को। मैंने आपको फार्मूला क्या बताया था बच्चों, लिख देता हूं मैं यहां पे वापस, एक सेकंड, ठीक है? मैंने आपको फार्मूला बताया था यहां पे, दूसरा फार्मूला, लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट एन अपान एन फैक्टोरियल, और इसके अंदर पूरे में पावर वन अपान एन हो तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाती है, ई हो जाती है। एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट एन अपान एन फैक्टोरियल होल रेस टू द पावर वन अपान एन, ये वैल्यू ई हो जाती है। लेकिन यहां तो अभी ये एक्स है, राइट? तो मैं ऐसा क्या कर दूं कि मेरे पास ये चीज आ जाए, तो सिंपली मैं क्या करता हूं, यहां पे एन का मल्टीप्लाई कर देता हूं और एन का डिवाइड कर देता हूं, इस फार्मूले में एन का मल्टीप्लाई कर देता हूं और एन का डिवाइड कर देता हूं, ओके। तो जैसे मैंने एन का मल्टीप्लाई और एन का डिवाइड कर दिया, राइट, तो मेरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, सो दिस इंप्लाइज लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फाइनाइट यू एन रेस टू द पावर वन अपॉन एन विल बी इक्वल टू लिमिट
एन टेंडिंग टू इन्फाइनाइट वॉट, ये एक्स अपान एन, ये वाला एक्स अपान एन, ठीक है ना, एक्स और अपान एन मैंने अलग से लिख लिया, एक्स अपान एन, राइट, एक्स अपान एन इंटू बचा क्या, बचा अपने पास एन अपान एन फैक्टोरियल होल रेस टू दी पावर वन अपान एन। लिमिट को, लिमिट के एलजेब्रा से आपको पता होगा कि लिमिट को हम सेपरेट भी कर सकते हैं, तो लिमिट को अगर सेपरेट कर लेंगे तो द सेम थिंग हियर इज लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फाइनाइट एक्स अपान एन इंटू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फाइनाइट दिस एन अपान एन फैक्टोरियल रेस टू द पावर वन अपान एन। अच्छा, सिंस एक्स पॉजिटिव है, एक्स ग्रेटर देन जीरो है, तो समथिंग ग्रेटर देन जीरो अपान इन्फाइनाइट, मतलब समथिंग अपान इन्फाइनाइट, ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। वापस बोल रहा हूँ, सिंस यहाँ पे, इसीलिए हर शब्द का यूज कर मैथ्स में अपने को, हर कंडीशन का यूज करना होता है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में एक्स ग्रेटर देन जीरो दिया था, मतलब ऊपर वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अपान इन्फाइनाइट ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो, राइट, तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो हुआ क्या, दिस इज जीरो इंटू ई, ये पूरी वैल्यू क्या, मैंने फार्मूला बता दिया था, राइट, लिमिट एन टेंडिंग टू एन अपान एन फैक्टोरियल रेस्ट टू द पावर अपान एन की वैल्यू क्या हो जाती है, ई हो जाती है, तो जीरो इंटू ई टोटल क्या हो जाएगा यहाँ पे, जीरो, और जीरो, जीरो मीन्स वॉट, दिस इज लेस देन वन, जीरो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन वन। सो अगेन बाय अप्लाइंग या से अगेन बाय कॉसी रूट टेस्ट दिस क्वेश्चन नंबर सेकेंड या सीरीज नंबर सेकेंड इज अगेन कन्वर्जेंट। ओके, क्लियर है, सेकेंड भी अपने आप ऑटोमेटिकली कन्वर्जेंट हो गई, ठीक है। नाउ लेट अस सी सॉल्यूशन ऑफ थर्ड ऑफ क्वेश्चन सेकेंड, ठीक है ना, ओके, ठीक है। सेकेंड में हमें क्या दिया था, थर्ड में देखो, इधर थर्ड, थर्ड में है ना, सॉल्यूशन नंबर थर्ड, हियर वी आर गिवन सीरीज वन क्यूब अपॉन थ्री प्लस क्यूब अपॉन थ्री स्क्वायर प्लस वन प्लस क्यूब सॉरी ओके, दिस इज फोर रेस्ट टू थ्री अपन थ्री रेस्ट टू पावर फोर प्लस डॉट डॉट वन एन क्यूब अपन थ्री रेस्ट टू दी पावर एन और प्लस ए अप टू इन्फाइनाइट। ओके, तो मैंने इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या बोला था, हमेशा जो ये लास्ट में लिखा रहता है ये हमेशा सीरीज का क्या कहलाता है, एनथ टर्म होता है, राइट, ओके। तो यहाँ पे हियर वी आर गिवन यू एन, यू एन इक्वल टू वॉट, दिस इज एन क्यूब अपॉन थ्री रेस टू दी पावर एन। इस बार यू एन की वैल्यू कितनी दी गई, एन क्यूब अपॉन थ्री रेस टू दी पावर एन। ओके, सो दिस सिंपली इंप्लाइज यू एन रेस टू दी पावर वन अपॉन एन, मतलब दिस इज एन क्यूब अपॉन थ्री रेस टू दी पावर एन रेस टू दी पावर वन अपॉन एन, ठीक है, पूरे में पावर कितना हो जाएगा, वन अपॉन एन हो जाएगा। फिर से इसको सिंपली अपन सॉल्व कर लेंगे तो किस इज एन क्यूब रेस टू दी पावर वन अपॉन एन डिवाइडेड बाय थ्री रेस टू दी पावर एन इंटू वन अपॉन एन, और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये एन में पावर कितना हो जाएगा, थ्री अपॉन एन डिवाइडेड बाय सिंपली थ्री, या और सिंप्लीफाई करें आप तो ये एन रेस टू दी पावर वन अपॉन एन का क्यूब डिवाइडेड बाय थ्री। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, यू एन की वैल्यू आ गई। ये किसकी वैल्यू आ गई अपने को, यू एन रेस टू दी पावर वन अपॉन एन की वैल्यू आ गई, यू एन तो ये था, ठीक है, मतलब मैं डायरेक्टली बोल दूं कि यू एन रेस टू दी पावर वन अपॉन एन की वैल्यू मेरे पास एन रेस टू दी पावर वन अपॉन थ्री का, ठीक है, क्यूब अपॉन थ्री आ गई। ओके, तो जब मैं इसमें सिंपल मेरा फार्मूला अप्लाई करूंगा कॉसी रूट टेस्ट का तो क्या मिले अपने को, ओके, सो दिस सिंपल इंप्लाइज लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फाइनाइट, राइट, यू एन रेस टू द पावर वन अपॉन एन मीन्स वॉट, क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फाइनाइट
वन अपान थ्री तो बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा? एन रेस टू दी पावर वन अपान एन का क्यूब। और एन रेस टू दी पावर वन अपान एन में क्या बताया था, फार्मूला नंबर थ्री, इसकी वैल्यू हमेशा वन हो जाती है। तो टोटल फार्मूला कितना हो जाएगा, वन अपान थ्री इंटू वन, अगेन दिस इज लेस देन वन, अगेन दिस इज लेस देन वन, सो बाय कॉसी रूट टेस्ट, सो बाय कॉसी रूट टेस्ट द गिवन सीरीज इज अगेन कन्वर्जेंट, द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, गिवन सीरीज इज अगेन कन्वर्जेंट। ठीक है, मतलब कंक्लूजन में करूं तो कुछ भी नहीं है, अपने को क्या करना है, हर सीरीज का एन एथ टर्म निकालना है, यूएन यूएन निकाल के उसमें पावर वन रेस टू दी पावर एन करना है और उसमें लिमिट अप्लाई कर देना है। अगर उस पूरे लिमिट की वैल्यू वन से छोटी आ गई, सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी, वन से बड़ी आ गई सीरीज डाइवर्ट आएगी, और इक्वल टू वन आ गई तो टेस्ट फेल हो जाएगा। फिर अपने को कोई फर्दर कॉन्सेप्ट दूसरा, फार्मूला दूसरा, टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा उसके कन्वर्जेंस के लिए। क्लियर है? ओके, एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये एक्चुअली कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा ये इम्पॉर्टेंट है, तो ये भी मैं करवा देता हूँ। सो अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, दिस इज टू स्क्वायर अपॉन वन स्क्वायर माइनस टू अपॉन वन पावर माइनस वन प्लस थ्री क्यूब डिवाइडेड बाय टू क्यूब माइनस थ्री बाय टू होल पावर माइनस टू। ठीक है, नेक्स्ट एक टर्म और लिख देता हूँ, फोर रेस टू द पावर फोर डिवाइडेड बाय थ्री रेस टू द पावर फोर माइनस फोर अपान थ्री कंप्लीट पावर माइनस टू। ठीक है, और ये प्लस अप टू इन्फाइनाइट, ये सीरीज कहाँ तक गई, प्लस अप टू इन्फाइनाइट। ठीक है, ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन को, ये इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ना, इसको ध्यान से देख लेते अपन। ठीक है, ओके, तो अभी तक आपने क्या सीखा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है बच्चों, किसी भी सीरीज के कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, उसका nth टर्म होता है, राइट। और nth टर्म हम कैसे निकालते हैं, किसी भी सीरीज का nth टर्म हम इसको थोड़ा सा माइन्यूटली ऑब्जर्व करके निकालते हैं ना, एक एक टर्म को ध्यान से देखना है, राइट। फर्स्ट टर्म में क्या है, देखो बच्चों, देखो ये टू है, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, कभी भी है ना nth टर्म निकालने का, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, फिर से बोल रहा हूँ, क्या टू थ्री फोर, टू थ्री फोर का nth टर्म मैंने क्या बताया था, हमेशा n प्लस वन, याद रख लें, कभी भी आपको टू थ्री फोर डॉट डॉट का nth टर्म निकालना हो तो दिस इज ऑलवेज n प्लस वन। ठीक है, इसके बाद बात करो नीचे क्या है यहाँ पे, अच्छा देखो जो यहाँ पे टू लिखा है वही पावर है, थ्री लिखा है वही पावर है, फोर लिखा है वही पावर है, मतलब यहाँ n प्लस वन की पावर कितना हो जाएगा, n प्लस वन, यानी जो वैल्यू लिखी है यहाँ पे, राइट, वही उसके पावर में है, तो एन प्लस वन होल रेस टू दी पावर एन प्लस वन, ओके, डिवाइडेड बाय ये क्या है, वन टू थ्री, देखो वन टू थ्री, तो वन टू थ्री का तो एन होता है, अच्छा यहाँ वन है तो पावर में टू है, टू है तो पावर में थ्री है, मतलब अगर एन है तो पावर में क्या होना चाहिए, दिस मस्ट बी एन प्लस वन। तो इधर ये तो कंप्लीट हो गया, अब बात करता हूँ मैं टू थ्री फोर डॉट डॉट से वन, तो आगे क्या हो जाए, माइनस में फिर से वापस एन प्लस वन और डिवाइडेड बाय वन टू थ्री डॉट डॉट से वन यानी एन, और पूरा कंप्लीट में पावर क्या हो जाएगा, देखो ये वन टू यहाँ थ्री होना चाहिए, क्वेश्चन गलत लिख दिया, राइट, वन टू थ्री ना, बिल्कुल सही है, ठीक है, माइनस थ्री, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, पावर में माइनस एन हो जाएगा।
पावर में माइनस एन हो जाएगा, ठीक है, पावर में क्या हो जाएगा, माइनस एन, पावर में माइनस एन यहां पे, ठीक है, ओके, पावर कंप्लीट पावर में माइनस एन, ठीक है। ध्यान से देख लो बच्चों, इसको कुछ भी नहीं है ना, एनथ टर्म डिसाइड करना होता है तो एनथ टर्म एक एक टर्म को लेके टू थ्री फोर डॉट डॉट सो ऑन, राइट। इसके बाद क्या है यहां पे, वन टू थ्री, है ना। तो ये चाहो तो तुम इसको एज ए नोट लिख लो कभी भी, हालांकि तुम एपीजीपी अगर तुमने पढ़ा तो निकाल भी सकते हो कभी भी, वन टू थ्री डॉट डॉट सो ऑन। तो इसका एनथ टर्म क्या हो जाएगा बच्चों, एन हो जाएगा। कभी भी टू थ्री फोर डॉट डॉट सो ऑन है, उसका एनथ टर्म क्या हो जाएगा, हमेशा एन प्लस वन हो जाएगा, है ना। तो थ्री फोर फाइव डॉट डॉट सो ऑन कर दो तो इसका एनथ टर्म क्या हो जाएगा, एन प्लस टू हो जाएगा। ये हमेशा हर सीरीज में ये एप्लीकेबल है कॉन्सेप्ट, ध्यान रखना, है ना। वन टू थ्री आए एनथ टर्म एन, टू थ्री फोर आए एनथ टर्म एन प्लस वन, ये आए तो ठीक है। उसका यूज करके मैंने यहाँ पे मेरे सीरीज का एनथ टर्म ये निकाल लिया, एन प्लस वन अपॉन एन, है ना, पावर में एन प्लस वन प्लस वन प्लस सॉरी माइनस एन प्लस वन अपॉन एन, और कंप्लीट में पावर माइनस एन हो गया, ठीक है, ओके। अब मुझे इसके कन्वर्जेंस की बात करना है, ठीक है। तो थोड़ा मैं और इसको सिंप्लीफाई कर दूं, ओके, ध्यान से। तो दिस इंप्लाइज यू एन हियर इज व्हाट, मैं इसको और क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं एन प्लस वन अपॉन एन पूरे में पावर एन प्लस वन माइनस एन प्लस वन अपॉन एन पावर में कुछ भी नहीं वन, और ये कंप्लीट चला गया क्या, तो कंप्लीट ये माइनस एन हो गया। अच्छा, मैं क्या करता हूं, कॉची रूट टेस्ट में हम करते क्या है, कॉची रूट टेस्ट में सिंपल यू एन रेस टू द पावर वन अपॉन एन निकालते हैं, राइट। तो मैं यहां पे यू एन रेस टू द पावर वन अपॉन एन निकाल दूं। सो व्हाट हियर, थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, एक सेकंड रुको, अभी इसकी बाद में बात करते अपन, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो। क्या कॉमन दिख रहा है बच्चों इसमें, इसमें मुझे एन प्लस वन अपॉन एन कॉमन दिख रहा है, यहां पे भी दिख रहा है और यहां पे भी दिख रहा है, राइट। तो मैं यहां पे एन प्लस वन अपॉन एन को कॉमन निकालूंगा, इन दोनों से कॉमन निकालूंगा, लेकिन पूरा में एक्सपोनेंट यहां पे पावर माइनस एन है, तो ये जैसे ही बाहर आएगा ये पूरी वैल्यू क्या देगा, ये पूरी वैल्यू माइनस एन दे देगा, और अंदर क्या बच जाएगा मेरे पास, दिस इज एन प्लस वन अपॉन एन रेस टू द पावर एन एज इट इज, देन माइनस वन कंप्लीट की पावर माइनस एन, ये माइनस एन एज इट इज रहेगा, राइट। लेकिन जैसे एन प्लस वन अपॉन एन दोनों से बाहर निकालूंगा तो ये बाहर तो आएगा लेकिन पावर माइनस एन को साथ में लेके आएगा, किसको लेके आएगा, माइनस एन को साथ में, और इसलिए ये एक्सप्रेशन ऐसा हो गया, ठीक है, राइट, ओके। आप वहां पे भी कर सकते थे बात, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो अगेन हियर, ना इसको कहीं से कहीं तक रटने की जरूरत नहीं, बस एक एक स्टेप को रिजॉल्व करते जाओ, अपने आप आंसर मिल जाएगा आपको। सो अगेन हियर यू एन रेस टू दी पावर वन अपॉन एन इक्वल टू क्या, ये पूरा क्या हो जाएगा, एन प्लस वन अपॉन एन, ठीक है, पावर माइनस एन, और कितना, एन प्लस वन अपॉन एन पूरे में पावर एन माइनस वन पावर माइनस एन, ठीक है। इस पूरे में क्या हो जाएगा, वन अपॉन एन हो जाएगा, तो इससे और ये दोनों कैंसिल होकर टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, एन प्लस वन अपॉन एन यहां पे माइनस वन हो जाएगा, ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा, अंदर अंदर हो जाएगा एन प्लस वन अपॉन एन रेस टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है, और इसमें भी पूरे में पावर माइनस वन, ठीक है। आप यहां पे भी डायरेक्ट कर सकते थे इसको, इसको जब पूरा पावर वन अपॉन एन करते हैं ना, पूरे पावर, तो ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाता, फिर एन प्लस वन अपॉन एन कॉमन लेते, ऐसा करो या ऐसा करो, बोथ आर द सेम थिंग्स, है ना, इतना इसमें लोड लेने की जरूरत नहीं, ओके। तो मेरे पास अभी तक क्या है बच्चों, किसकी वैल्यू आई मेरे पास, यू एन रेस टू द पावर वन अपॉन एन की वैल्यू आई है, क्या आई, एन प्लस वन अपॉन एन रेस टू द पावर माइनस वन ब्रैकेट एन प्लस वन अपॉन एन पावर एन माइनस वन होल रेस टू द पावर माइनस वन, ठीक है। नाउ हियर आई एम गोइंग टू अप्लाई लिमिट, तो अगर मैं लिमिट अप्लाई कर दूंगा यहां पे, सो हियर
this limit n tending to infinite un raised to the power 1 upon n, ठीक है, इक्वल टू क्या, यहीं पे लिख दो, ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट, ये पूरी वैल्यू इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n n को निकाल के कैंसिल कर दो, तो क्या मैं इसको 1 प्लस 1 अपान n रेस्ट टू द पावर माइनस 1 लिख सकता हूँ, देख लो n कॉमन ले लूंगा तो 1 प्लस 1 अपान n हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, n n गेट कैंसिल, तो दिस इज व्हाट 1 प्लस 1 अपान n रेस्ट टू द पावर माइनस 1। सेम यहाँ पे फंडामेंटल अप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपान n रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 देन कंप्लीट रेस्ट टू द पावर माइनस 1। नाउ अप्लाइंग लिमिट, लिमिट अप्लाई कर दूंगा तो समथिंग अपॉन इन्फाइनाइट 0 हो जाएगा, वर माइनस 1 तो 1 ही बचेगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट 1 प्लस 1 अपान n रेस्ट टू द पावर n की वैल्यू क्या हो जाती है, e, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, e, राइट, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, दिस इज ई माइनस 1 और ऊपर पावर में क्या है माइनस 1, राइट, पावर माइनस 1, सो कंप्लीट, ये क्या बता रहा है कि दिस इज ई 1 अपान e माइनस 1, ई माइनस 1 मीन्स वॉट 2.73 माइनस 1 मतलब 1 से तो बड़ा ही होगा, 1 से बड़ा होगा तो मतलब फिर से ये क्या हो जाएगा लेस देन 1, है ना, सो क्या हुआ इसका मतलब, तो दिस इंप्लाइज वी गेट लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट un raised to the power 1 upon n is less than 1. Hence by Cauchy root test the given series is what? Convergent. ठीक है बच्चों, ये बहुत ईजी था, इसमें ज़्यादा कुछ अपने को परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी, है ना। इसके बाद अगला मैं जो टॉपिक आपसे डिस्कस करूँगा वो रहेगा डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, ठीक है ना। कौशी रूट टेस्ट में तो इतना ही है, इससे ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, सीरीज का एनथ टर्म निकालना है, एनथ टर्म निकाल के उसके पावर 1 अपान n करना है, लिमिट अप्लाई करना है, अगर वैल्यू 1 से छोटी आई कन्वर्जेंट हो जाएगा, अगर वैल्यू 1 के बड़ी आ गई डाइवर्जेंट हो जाएगा, 1 के बराबर आ गई तो टेस्ट फेल हो जाएगा, ठीक है, ओके, थैंक यू।